सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है दोस्तों, साइप्रोहेप्टिडिन के वास्तविक यूज को जानकर बिल्कुल ही दंग रह जाएंगे। और इसका जो यूज लिया जा रहा है भूख बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, इसका सच क्या है, क्या इसको आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसको हम जानेंगे। साथ ही इसकी पूरी डिटेल में जानेंगे, यूज क्या क्या है, किस नाम से आप मेडिकल स्टोर से इसको खरीद सकते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट इस दवा के होते हैं, और वीडियो के लास्ट में जानेंगे इसको लेने का सही तरीका और कुछ सावधानियां जब आप टेबलेट ये लेते हैं तो सावधानी आपको जो रखनी होती है। तो ये सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी साइप्रोहेप्टिडिन टेबलेट के बारे में आपको मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित आदिच और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। साइप्रोहेप्टिडिन फर्स्ट जनरेशन एंटाहिस्टामिन मेडिसिन है, जो कि एक OTC प्रोडक्ट है जिसे हम ओवर द काउंटर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसे आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे फार्मेसी से डायरेक्ट ही खरीद सकते हैं। यह टेबलेट, सिरप तथा ड्रॉप सभी फॉर्म में मैन्युफैक्चर किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ साइप्रोहेप्टिडिन टेबलेट के बारे में जानेंगे। साइप्रोहेप्टिडिन टेबलेट 4 मिलीग्राम की टेबलेट आती है और ये दवा का जेनेरिक नाम है। सबसे पहले जान लेते हैं इस दवा का ब्रांड नेम क्या है, किस किस नाम से मेडिकल स्टोर पर तथा ऑनलाइन फार्मेसी आपको मिल जाती है। इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है जिसे पेक्टिन, प्रेक्टिन, पेरिटोल, सिप्लाटिन, बायोप्रोन और भी इसके खूब सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। हो सकता है आपके एरिया में कुछ अलग नाम से मिले। और दोस्तों, जो ब्रांड नेम होती है इसी से मेडिकल स्टोर के जो फार्मासिस्ट है, केमिस्ट है, दवा को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसा कि आप समझिए, यदि आप प्रेक्टिन नाम से इस टेबलेट को मांगने के लिए गए हैं, वो फार्मासिस्ट आपको पेरिटोल दे देगा। तो हुआ क्या है, सिर्फ आपको जो ब्रांड नेम है वो अलग दिए, लेकिन दवा का जो नाम रहता है वो साइप्रोहेप्टिडिन ही रहेगा। तो सब्स्टिट्यूशन से भी आप बिल्कुल नहीं घबराएं, अच्छी सी कंपनी देख के आप सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं, और कोई भी ब्रांड हो उस दवा का वही असर रहता है। अब ब्रांड नेम जानने के बाद इसके यूज की तरफ बढ़ते हैं, वास्तविक इसका क्या यूज है। साइप्रोहेप्टिडिन जैसा कि एंटाहिस्टामिन ग्रुप की एक दवा है, तो जो एलर्जी की रिएक्शन होती है, जैसा कि सीजनल एलर्जी किसी व्यक्ति को हो गई है, उसमें व्यक्ति को आंखों में पानी बह रहा हो, नाक में पानी बह रहा हो, छींके उसको आ रही हो, नाक और आंखों में खुजली चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में यह दवा बहुत ही अच्छी कारगर है, बहुत फायदेमंद रहती है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को माइग्रेन का हेडेक है, जो आपको एक साइड में सिरदर्द रहता है, उस सिरदर्द में भी यह दवा दी जाती है, जिसे क्लस्टर हेडेक भी कहते हैं, इसमें बहुत ही असरकारक है। और कई बार एलर्जिक रिएक्शन के कारण हमारे शरीर में जो नॉर्मल सेरोटीन है, नेचुरल सेरोटीन और हिस्टामिन है, इसका लेवल बढ़ जाता है। इसके लेवल को भी कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए साइप्रोहेप्टिडिन टेबलेट बहुत ही फायदेमंद रहती है। और यदि किसी व्यक्ति को स्किन पे रेडनेस हो गया हो, छोटे छोटे चकते हो गए हो, खुजली हो गई हो, तो नॉर्मल सी इस कंडीशन को ठीक करने के लिए दवा कारगर है। यदि सीवियर हो जाती है स्थिति तो यह दवा बिल्कुल काम नहीं करती, सामान्य सी कंडीशन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों, अब जानते हैं भूख बढ़ाने के लिए और वजन बढ़ाने के लिए खूब सारे डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं, क्या वो सही है और कैसे आपको ये लेनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है, बहुत सारे डॉक्टर इस दवा का प्रयोग करते हैं भूख बढ़ाने और वजन बढ़ाने के लिए, फार्मासिस्ट भी आपको देते हैं, और आप में से कई दोस्तों ने इस दवा को भूख बढ़ाने के लिए और वजन बढ़ाने के लिए लिया होगा। लेकिन दवा का ये जो इफेक्ट आप ले रहे हैं, ये दवा का मेडिसिनल यूज नहीं है, ये दवा का साइड इफेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, ये दवा का साइड इफेक्ट है, जो कि आपको जब तक आप दवा का सेवन करते हैं तब तक ही दिखाई देता है। क्योंकि साइड इफेक्ट, जैसा कि आप जानते हैं, जब दवा लेना बंद कर देते हैं साइड इफेक्ट अपने आप ही बंद हो जाता है। उसी प्रकार से जब आप दवा लेना बंद कर देते हैं तो आपको भूख लगना बंद हो जाती है, आपका वजन बढ़ना बंद हो जाता है, और धीरे धीरे कुछ समय बाद में जो आपका वजन है वही पुरानी स्थिति आके रुक जाता है, और वापस से आप पतले हो जाते हैं, आप थिन हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी कारण से यह दवा बंद करने पर आपको वापस ये इफेक्ट नहीं मिलते। और इस टेबलेट को क्या लेना जरूरी है, यदि किसी व्यक्ति को शॉर्ट टर्म के लिए भूख बढ़ानी हो या उसको वजन बढ़ाना हो, तो जैसे किसी कंपटीशन का वो फाइट कर रहा है, कहीं रेसलर है, या कोई भी तरीके से उसको वजन बढ़ाना है, तो महीने 2 महीने के लिए इस टेबलेट को आप लें और उसको बंद कर दें, तो महीने 2 महीने जब तक आप टेबलेट को लेंगे आपका वजन बढ़ जाएगा, और आपका काम निकलने के बाद इसको आप
बंद कर सकते हैं। तो ये इसका तरीका था, और आप विशेष तौर से ध्यान रखें, वजन बढ़ाने के लिए इस टेबलेट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब तक आप लेंगे तब तक ही आपको फायदा मिलेगा, बंद करने के बाद आप नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये इसका साइड इफेक्ट आपको बताएं। इसी तरह से कुछ इसके हार्मफुल साइड इफेक्ट है जिसके बारे में जान लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को नींद में व्यक्ति के डिस्टर्बेंस रहेगा, नींद ज्यादा आ सकती है, साथ ही उस व्यक्ति को कब्ज रह सकती है, सिर दर्द व्यक्ति को हो सकता है, बार बार उसको पेशाब लगना, कुछ एलर्जिक रिएक्शन होना, ये या इसके अलावा भी कोई भी जो अनलिस्टेड अनवांटेड इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत से दवा का सेवन बंद कर दें, जिससे कि आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, अपने डॉक्टर से मिले जिससे फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। तो दोस्तों दवा का जो साइड इफेक्ट है भूख लगना और वजन बढ़ना, ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन दूसरे जो साइड इफेक्ट वो नुकसानदेही है, तो जरूर से आप इसका ध्यान रखें। अब दोस्तों जानते हैं इसका लेने का सही तरीका, डोज क्या रहती है और कुछ इसकी सावधानियां क्या क्या रखनी होती है। जब आप इस दवा का सेवन करते हैं तो आपको दिन में एक बार, दिन में दो बार या दिन में तीन बार खाने के बाद में ये दवा दी जाती है। पेशेंट की नीड के अनुसार ये डिसाइड किया जाता है, और इस दवा को खाने के बाद आप लें जिससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिले। और जब आप ये दवा ले रहे हो तो आपको स्पेशली अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, और यदि कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है, लैक्टेशन है, जो बच्चों को दूध पिला रही हो, या कोई व्यक्ति जिसको लीवर की डिजीज हो, किडनी डिजीज हो, हार्ट संबंधी किसी प्रकार की परेशानी हो, अस्थमा की परेशानी हो, या कोई भी तरह की कोई मेडिसिन आपको चल रही हो, तो आप ये दवा ओटीसी प्रोडक्ट के रूप में बिल्कुल ही नहीं लें। अपने फार्मासिस्ट को बता के ये कंडीशन, या अपने डॉक्टर को बता के ले, जिससे कि आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो ये कुछ इसकी सावधानियां थी। और जब ये दवा आप लें तो विशेष तौर से ध्यान रखें, आप किसी भी हैवी मशीनरी पर काम नहीं करें, ना ही आप ड्राइविंग करें, क्योंकि ये जो दवा है आपको सडेशन इफेक्ट रखती है, आपको नींद आने जैसा लगता है, उससे आपको किसी खतरे का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये बात आप जरूर से ध्यान रखें, और ये छोटा सा मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो साइप्रोहेप्टिडिन टेबलेट के बारे में बनाए हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि कोई सुधार आप चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि मैं इसमें कुछ एड कर सकूं। और अभी तक आपने अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन जरूर पास में दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ, और देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजर।